आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उच्च शिक्षा चिकित्सा व स्वास्थ्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उद्यान विभाग, कृषि, जलागम, उप निबंधक, सहकारिता विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने विभागों की संचालित योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें, जिससे वह समय से स्वरोजगार कर अपनी आर्थिकी मजबूत बना सकेंगे। उन्होंने उद्यान विभाग अधिकारियों से पाली हाउसों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि अधिक से अधिक संख्या में पाली हाउस लगाएं। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग अधिकारी को निर्देशित किया कि जंगली जानवरों से बचाव हेतु घेरबाड़ करें। माननीय मंत्री ने सहकारिता, उद्यान, कृषि, पशुपालन, जलागम, वन विभाग संयुक्त रूप से प्रत्येक ब्लॉक से 25 किसानों का चिन्हीकरण करते हुए उनको 0% ब्याज की दर पर कर्मठ किसान, काश्तकार व पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए बागवानी, कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पादन व कृषि व उससे संबद्ध स्वरोजगार पर कार्यों में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही महिला व के ऐसे समूह जो कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, स्थानीय अन्य जुड़े हुए क्षेत्रों में कर्मठता से लगे हुए हैं, उनको 5,00,000 रुपए तक की समूह आधारित ऋण योजना से लाभान्वित करें, जिससे लोगों की आर्थिकी में सुधार हो सके। उन्होंने उद्यान विभाग को जनपद में सेब के 100 बगीचे तैयार करने के अतिरिक्त कीवी, अखरोट, बादाम, केसर उत्पादन जैसे नवाचार प्रयासों को भी ट्रायल के तौर पर आजमाने के निर्देश दिए। कहा कि बागवानी से जुड़े हुए अनुकरणीय उदाहरणों व अनुभव प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग हिमाचल, गुजरात जैसे प्रदेश में सफलतापूर्वक अपनाए गए मॉडल को भी लागू करने का प्रयास करे। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर क्लस्टर आधारित, समूह आधारित प्रयासों को अमल में आने को कहा, ताकि एकीकृत प्रयासों से उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। साथ ही गुणवत्ता सुधार और बेहतर मार्केटिंग से उत्पादन में बढ़ोतरी और ब्रांडिंग इत्यादि के माध्यम से उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इन सभी कार्यों के अनुपालन आख्या 6 माह में प्रस्तुत करने और उसके आगामी समय प्रगति भी समय समय पर अवगत कराने को कहा। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, जलागम हो गया, इन सारे विभागों के बैठे की कि किसानों की आज दूनी कैसे हो सकते हैं। एक 100 हम लोग सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। दूसरा, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं तो वहाँ बंदरों की दिक्कत है, तो वहाँ घेरबाड़ कैसे हो सकती है, ये सारे विषयों पे चर्चा आज की गई है। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का टारगेट ये है कि किसानों की आय दुगनी हमको करनी है, और उसके लिए एलाइड विभागों के एक जिलाधिकारी जी हर मैंने एक एक बैठक कर दी रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।